हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रैंड स्लैम 11। गेम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से ज्वाइन कर लेते हैं, देखते किसके साथ खेलने को मिलता है। अरे माही भाई, माही भाई के साथ खेलने को मिल रहा है आज। हम इस लड़के को जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। जगलर के साथ स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, अच्छे से खेलना है बस। पहला बॉल ऑफ साइड पे, इसको परफेक्ट करना होगा। और ये नहीं, सिर्फ 4 रन ही मिलेंगे इस पे। माही ने खाता नहीं खोला अभी तक, ठीक है कोई बात नहीं। ये ऑफ साइड पे दूसरा बॉल, अरे ये टाइमिंग पे हिट नहीं हो पाया मुझसे, कोई बात नहीं। अर्ली हो जाता तो ये पक्का कैच होता। फिर से टाइमिंग का प्रॉब्लम, देख रहे हो फील्डर कितने फटाफट आ जाते हैं। टाइमिंग सही नहीं हो तो एक रन से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते वैसे भी। आज मेरे से टाइमिंग सही नहीं होगा लगता है। फिर से एक ही रन मिलेगा और माही भाई आउट यहाँ पे, -2। चलो अब आराम से खेलना है गेम मुझे। ये बॉल हिट करने की कोशिश करता हूँ। 3 रन तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ इस बॉल पे। नहीं, 2 ही मिलेंगे, कोई बात नहीं। मैं 9 में हूँ और ओपोनेंट है 1 पे। मुझे मिलेंगे 1 रन और ये ओपोनेंट का और एक विकेट गिर गया, -5 पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत लकी हूँ मैं आज, ऐसे विकेट गिरता नहीं वैसे। आराम आराम से खेलेंगे, 1 रन मिलेगा कोई बात नहीं है, आउट नहीं होना है हमें बस। ये अच्छा बॉल है, इसको हिट करने का ट्राई कर सकते हैं वैसे। नहीं, मिस हो गया। ये टाइमिंग का बहुत इशू होता है मेरे साथ। देखते ओपोनेंट का कैसा रहेगा। और एक विकेट, बहुत बढ़िया, बहुत लकी हूँ आज तो मैं। अरे तो ये बाउंसर पे परफेक्ट टाइमिंग, और टाइमिंग अच्छी हो तो ये 6 मिलना ही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिफ्थ बॉल पे मिलेगा मुझे ये 3 रन और वहां पे माही का छक्का। चलो कोई नहीं, 2 ओवर तो खत्म होने वाले, एक ही ओवर बचा है। ट्राई करता हूँ लॉन्ग हिट का, नहीं गया। एक्सपेक्ट किया था मैंने 6 का, बट टाइमिंग का बहुत इशू है। थोड़े से प्रैक्टिस मैसेज हमें मिल जाते तो टाइमिंग तो एटलीस्ट मैं ठीक कर लेता अपना। तो लास्ट ओवर फिर से डालेगा मेरा मैटा जगलर। गुड लेंथ पे बॉल है, अच्छा हिट कर सकते हैं इसको स्ट्रेट ड्राइव में। सिर्फ 4 रन मिलेंगे और वहां पे भी माही ने अच्छा कमबैक किया है। यहाँ पे थोड़ा रिक्स ले सकते हैं। ये देखिए, ऐसे नहीं खेलना है आपको। परफेक्ट करने जाओगे, थोड़ा सा टाइमिंग गलत बैठेगा, डायरेक्ट कैच। ये सब रिक्स सिर्फ लास्ट ओवर में ही लिया जा सकता है आपके पास अगर अच्छा लीड है तो। अभी 1-2 रन मिलते रहें वही काफ़ी है। यहाँ पे बाउंसर को हिट करना है, राइट साइड पे ट्राई करेंगे। और ये देखिए, बाउंसर को हिट करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए।
इसको सीधा खेलना चाहिए था मुझे। कोई नहीं, तो ऐसा रहा मेरा मैच। मैंने थोड़ा शुरू में लीड बना लिया था, इसलिए मैंने ज़्यादा टेंशन लिया नहीं, आराम आराम से खेलता रहा। माही आपने भी बहुत अच्छा खेला, मैंने तो ऐसे ही फ़न के लिए वीडियो बनाए, ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही खेलते रहिए। मैं भी नया ही हूँ, प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ, तो ऐसे वीडियोज़ में लेके आता रहूँगा आप लोग के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।